अगली बड़ी खबर भी भिंड के मेहुना से, जहां पर रेत का अवैध परिवहन करते दो ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त किए गए हैं। सिंध नदी से हो रहा था रेत का अवैध परिवहन, जिसे करते हुए दो ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त किए गए हैं। रेत की चोरी करते समय दो ट्रैक्टर ट्रॉली चालक गिरफ्तार हुए हैं। रौंद थाना प्रभारी राम नरेश यादव ने ये कार्रवाई की। भिंड के मेहुना से इस वक्त की बड़ी खबर। भिंड के मेहुना से इस वक्त की बड़ी खबर। भिंड के मेहुना से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर रेत का अवैध परिवहन करते हुए दो ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त किए गए हैं। सिंध नदी से रेत का अवैध परिवहन हो रहा था, जो करते हुए दो ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त किए गए हैं। रेत की चोरी करते समय दो ट्रैक्टर ट्रॉली चालक भी गिरफ्तार किए गए हैं। रौंद थाना प्रभारी राम नरेश यादव ने ये कार्रवाई की। तो भिंड के मेहुना से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता पंकज सिरोठिया फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। जी पंकज, रेत का अवैध परिवहन करते हुए ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त किए गए हैं, कैसे की गई है कार्रवाई? जी प्रतीक्षा जी, बताना चाहता हूँ, सिंध नदी से रेत का उत्खनन करते हुए दो ट्रैक्टर ट्रॉली और दो ट्रैक्टर ट्रॉली चालक सहित पुलिस ने गिरफ्तार किए हैं। जो चेकिंग के दौरान उनको गिरफ्तार किया गया, इन पर चोरी के एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया। जी जी पंकज, वही ट्रैक्टर ट्रॉली चालक भी दो गिरफ्तार हुए हैं। जी प्रतीक्षा जी, दो ट्रैक्टर ट्रॉली चालक को गिरफ्तार करके इनके ऊपर पुलिस ने, रौंद थाना पुलिस ने चोरी एक्ट का मामला दर्ज कर लिया गया है। जी पंकज, तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।